जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। मंच पर विराजमान विराज करो। अब मध्य प्रदेश में तो जो करना है मध्य प्रदेश में, एक मिनट कृपया सुनिए सुनिए सुनिए, मध्य प्रदेश में जो करना है वो सरकार को करना और शिवराज सिंह चौहान को करना, और क्या करना वो ही कहने में आया हूं। सभी विधायक साथी, मंत्रीगण और प्रदेश भर से पधारे हुए मेरे बहनों और भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको नमस्कार करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मैं आप सब बहनों और भाइयों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तीन बातें मैं साफ कर देना चाहता हूं। नंबर एक, ये शंका और कुशंका अगर कहीं है तो बाहर निकाल दें। हमारे होते हुए दुनिया की कोई ताकत, कोई माई का लाल आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता, यह शिवराज सिंह चौहान कहने आया। जब तक सांस चलेगी बहनों और भाइयों, आरक्षण जारी रहेगा। मैं ये आश्वस्त करने आप लोगों को आया हूं, नंबर एक। और शिवराज सिंह चौहान की बात पत्थर की लकीर है, मैं जो कहता हूं वो करता हूं, पूरा मध्य प्रदेश ये जानता है। नंबर दो, प्रमोशन में आरक्षण मैंने पहले दिन ही कहा था और आज फिर मैं दोहराने आया हूं कि प्रमोशन में आरक्षण की सरकार पूरी तरह से बगदर है और हर हालत में प्रमोशन में आरक्षण जारी रहेगा। उसके लिए जो नए कानून है, मेरे राजनीतिक मित्र भी बैठे हैं, वो इतनी शालीनता रखें कि जब मुख्यमंत्री अपनी पूरी गरिमा के साथ बात कह रहा है तो सुनना चाहिए कि नहीं, सबको बताओ सुनना चाहिए। और इसलिए उनको बहुत मौका है बात करने के, लेकिन मैं दिल से अपनी बात करने आया हूं। मुझे कंसोटिया जी ने कहा कि हम चाहते हैं आप आए, तो आपने पुकारा और हम चले आए। हम कहां जाएं, आपके बीच आएंगे, आंखों में आंख मिला के बात करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे। और इसलिए मैं ये कहने आया हूं आपसे कि प्रमोशन में रिजर्वेशन हर हालत में जारी रहेगा। मैंने कल ही फैसला किया है, कैबिनेट की सब कमेटी हम बना रहे हैं, उस सब कमेटी की अध्यक्षता डॉक्टर गौरीशंकर सहजवार करेंगे, लाल सिंह आर्य रहेंगे, जान सिंह जी रहेंगे, बाकी मंत्री रहेंगे। और नियमों में जो बदलाव करना है वो सारे नियम बदल के ये सुनिश्चित कर दिया जाएगा कि प्रमोशन में आरक्षण हर हाल में जारी रहेगा। तीसरी बात आपसे ये कहने आया हूं कि हाईकोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के कारण जो स्थिति बनी, दूसरे दिन ही हम सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां से यथा स्थिति रखने का आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट में। पूरी ताकत के साथ मैं अजाक्ष के मित्रों से कहना चाहता हूं, मुकुल रोहतगी जी हमारी तरफ से खड़े, कौन कौन वकील खड़ा करना है आप तय कर ले, पूरी ताकत के साथ आपके साथ मिलकर सरकार लड़ाई लड़ेगी, कोई कसर उसमें नहीं छोड़ी जाएगी। किसी भी हालत में वो दिन नहीं आने देंगे कि जो प्रमोशन पहले हो गए उनके डिमोशन की स्थिति बने, किसी भी हालत में वो परिस्थिति नहीं बनने देंगे। आपके साथ मिलके, कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के सरकार लड़ाई लड़ेगी, शिवराज सिंह चौहान लड़ाई लड़ेगा, इस लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कंसोटिया जी ने जो अपना मांग पत्र दिया है उसमें कुछ और बातें कही है, मैं कहना चाहता हूं अपने सभी बेटे और बेटियों से, नौजवानों से, जो बात हुई है कि कई बार पढ़ाई बहुत महंगी हो जाती है, सामान्य परिवार के विशेषकर आर्थिक रूप से भी हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के बेटे बेटियां बहुत सक्षम नहीं है, और इसलिए पहली से लेकर पीजी तक की पढ़ाई एससी एसटी के बेटों बेटियों की निशुल्क करवा दी जाएगी, ताकि कोई फीस नहीं लगेगी। पहली से लेकर फर्स्ट टू पीजी निःशुल्क शिक्षा हमारे बच्चों को दी जाएगी,
उसकी व्यवस्था हम करेंगे। दूसरी बात उन्होंने कही है मेडिकल कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम, नर्सिंग कॉलेज और बड़े कॉलेज, केवल सरकारी नहीं है प्राइवेट की भी बाढ़ आ गई है। और अभी तक व्यवस्था यह थी कि सरकारी कॉलेज में जितनी फीस लगती है उतनी फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में देने का प्रावधान सरकारों ने कर रखा था, और इसलिए दिक्कत होती थी कि हमारे गरीब बेटे बेटी, एससी के बेटे बेटी, एसटी के बेटे बेटी ये प्राइवेट मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ नहीं पाते थे। मेरे बेटा बेटियों, आज मैं ये कहने आया हूं, आज फैसला नहीं किया, मैंने पहले फैसला किया है जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज हो, फार्मा कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो, आज शिवराज सिंह चौहान ये घोषणा करता है कि प्राइवेट मेडिकल इंजीनियरिंग और बाकी सारे कॉलेजों में भी फीस बच्चों के माता पिता नहीं चुकाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान चुकाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुकाएगी। ये सारी शिक्षा निःशुल्क करने का काम किया जाएगा ताकि प्राइवेट कॉलेजेज में भी हमारे बच्चे पढ़ें, अच्छी संख्या में पढ़ें और पढ़ के इन सब पदों पर हमारे बच्चे पहुंचे। मैं बड़ी खुशी के साथ ये कहना चाहता हूँ, एससी के बेटे बेटी, एसटी के बेटे बेटी, पिछले दोनों सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाले हमारे बच्चों का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, आईआईएम में सिलेक्शन हुआ, जो उत्कृष्ट विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे बड़ी संख्या में पिछले साल भी सिलेक्ट हुए, उनकी सारी फीस भी मध्य प्रदेश की सरकार भरवाएगी, उनके बच्चों के माता पिता नहीं भरवाएंगे। बैकलॉग के पदों की पूर्ति का मामला है, युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जाएगी, हर 3 महीने में समीक्षा करेंगे और सारे के सारे पदों पर भर्ती पूरी तरह से कर दी जाएगी, कोई पद खाली नहीं रहने दिया जाएगा। हमने यह तय किया है कि हमारे जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं उनको शिष्यवृत्ति नहीं मिलती थी, और हॉस्टल में अगर वो रह के पढ़ते थे तो खुद के भोजन का इंतजाम खुद को करना पड़ता था। अभी शिष्यवृत्ति की व्यवस्था केवल 12वीं तक के बच्चों को थी, अब यह शिष्यवृत्ति कॉलेज के बेटा बेटियों को भी दी जाएगी ताकि जब वो कॉलेज में पढ़े तो कॉलेज में पढ़ने के दौरान उनको शिष्यवृत्ति मिले और वो अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकें। हमने यह भी तय किया है कि 12वीं की परीक्षा में वैसे 85% नंबर जब बच्चे लेके आते थे तो उनको लैपटॉप दिया जाता था, अनुसूचित जाति के बेटा बेटी अगर 75% नंबर भी लेके आएंगे तो 12वीं में उनको लैपटॉप दिलवाया जाएगा ताकि वो अपनी आगे की पढ़ाई ढंग से जारी रख सके। आपने जो और बातें अपने ज्ञापन में और मांग पत्र में कही है उन सब बातों पर और हम गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे, और कई ऐसे पद हैं जिनमें रेगुलर नियुक्ति नहीं होती, संविदा नियुक्ति होती है, दूसरे तरह की नियुक्ति होती है। आज मैं ये आपको घोषित करके बताता हूँ कि इस तरह के कोई भी पद हो सब में आरक्षण लागू किया जाएगा। कोई ऐसा पद बिना आरक्षण के नहीं रहने दिया जाएगा। आप सबको मैं ये विश्वास भी दिलाता हूँ कि हमने देखा है पूरे मध्य प्रदेश में कई लोग ऐसे हैं, आदिवासी भाई और बहन बैठे, 2,16,000 पट्टे अभी वनाधिकारी के दिए गए, युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर और जितने पट्टे देने की जरूरत होगी पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासी भाई और बहनों को वनाधिकार कानून के तहत पट्टे देने का काम किया जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश में हमारे जितने ऐसे अनुसूचित जाति जनजाति के गरीब भाई और बहन है, चाहे वो शहर में निवास करते हो चाहे वो गांव में निवास करते हो, जिस जमीन पर उनका कब्जा है कोई माई का लाल उनका कब्जा नहीं हटाएगा, पट्टा दे के सबको मालिक बनाया जाएगा। अरे उनको भी जीने का हक है, मुस्कुराने का अधिकार है, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी जिंदगी और सपने होते हैं, और इसलिए हम इस व्यवस्था को लागू करने का मध्य प्रदेश में काम करेंगे। हमने मध्य प्रदेश में यह भी फैसला किया है कि हमारे जो बच्चे विदेश पढ़ने जाएंगे, विदेश जाके पढ़ना और कठिन होता है, 15 लाख 20 लाख 25 लाख रुपया सालाना खर्चा होता है, और इसलिए विदेशी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन होता है तो विदेशी यूनिवर्सिटी का खर्चा चाहे 15 लाख रुपया साल हो चाहे 20 लाख रुपया साल हो वो भी मध्य प्रदेश की सरकार बहन करेगी और इन बच्चों को पढ़वाने की व्यवस्था करेगी। और इसलिए आज मैं एक बार फिर आपसे ये निवेदन करता हूँ कि सरकार अपनी तरफ से जन कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
ये मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जहां हम लोगों ने फैसला किया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जितने भाई और बहन है सभी गरीब है मान के एक रुपया किलो गेहूं चावल और नमक देने का इंतजाम किया जाएगा। ये सरकार ने पहले किया था और शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए जितनी चीजें आवश्यक है वो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है वो सारी की सारी चीजें हम करने का काम करेंगे। मैं अंत में इस मांग पत्र में रोजगार से संबंधित जो बातें कही है उन पर भी एक पंक्ति में केवल कहना चाहता हूं कि उसमें भी सरकार अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखेगी। एक बार मैं आप सबका यहां फिर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और फिर एक बार यह विश्वास दिलाता हूं कि दुनिया की कोई ताकत आरक्षण समाप्त नहीं कर सकती। सरकार आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं, कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर हम काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय भीम, जय भीम, जय भीम। और मैं अजाक्स को ये कह रहा हूं कि आप हमारी टीम के साथ मिलिए, अजाक्स के अध्यक्ष और बाकी साथियों को कह रहा हूं हमारी टीम के साथ मिलिए, बैठिए और नियम जैसे बनाने आवश्यक है वो सारे नियम बना के प्रमोशन में आरक्षण सुरक्षित कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भर्ती करो अजाक्स, सभी साथी अपनी जगह पर बैठे रहे, अपने आरक्षण अजाक्स एकता, अजाक्स एकता, सभी लोग कृपया शांति बनाए रखें। साथियों अब हमारे बीच में सम्माननीय सांसद महोदय कांतिलाल भूरिया जी इधर हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह भी अपनी बात इधर रखेंगे।